Hello viewers, I am G Krishna Chauhan and welcome back to Hacking Craze Soft Tech. So today we are discussing about ERP system, which is designed and developed for PIIT College, Greater Noida. PIIT College, Prince Institute of Innovative Technology, जो कि 15 साल पुराना पॉलिटेक्निक कॉलेज है. इस कॉलेज में पॉलिटेक्निक के अलावा काफ़ी सारे अलग कोर्सेज भी हैं, जैसे कि BBA, BCA, MBA, BTC, BEd. सो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर प्रोफेसर भरत सिंह जी का, जो कि इस कॉलेज के चेयरमैन हैं, और श्री आर के शाक्य जी का, जो कि इस कॉलेज के डायरेक्टर सर हैं, जिन्होंने मेरे को ERP सिस्टम इस्टेब्लिश करने का एक मौका दिया. तो आइए डिस्कस करते हैं इस कस्टमाइज ERP सिस्टम के बारे में. सो कॉलेज की सभी बेसिक नीड्स का ध्यान रखते हुए हमारे इस ERP सिस्टम में कुछ मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि एडमिन, चेयरमैन, डायरेक्टर, डीन, रजिस्ट्रार, HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, HR, ह्यूमन रिसोर्स, फैकल्टी एंड स्टूडेंट. सो आप यहाँ पर एक पेज देख सकते हैं जहाँ पर लॉग इन टाइप सिलेक्शन लिखा हुआ है. तो यहाँ पर जो भी बंदा है वो अपने अकॉर्डिंग लॉग इन सिलेक्शन कर सकता है. यदि वो स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट पर क्लिक करके, और डीन है डीन पर क्लिक करके, इस तरह से अपने लॉग इन टाइप को सेलेक्ट कर सकता है. और सेलेक्ट करने के बाद उसको लॉग इन क्रेडेंशियल्स मांगे जाएंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड. तो अपनी ID और पासवर्ड डालकर बंदा अपने पैनल में एंटर कर सकता है. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल से. तो स्टूडेंट मॉड्यूल में क्या क्या स्टूडेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है, आइए उन सबको देखते हैं. तो स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल को व्यू कर सकता है, अपनी अटेंडेंस को देख सकता है, रैगिंग के रिगार्डिंग रिपोर्ट कर सकता है, डिपार्टमेंटल नोटिस डाउनलोड कर सकता है जो भी उनके HOD ने उनको प्रोवाइड कराए हों, सर्कुलर डाउनलोड कर सकता है और व्यू कर सकता है, जो कि पूरे कॉलेज के लिए सर्कुलेट किए जाते हैं डीन या डायरेक्टर के माध्यम से. अपना इंडिविजुअल सिलेबस देख सकता है, अपना टाइम टेबल देख सकता है, फैकल्टी के माध्यम से दिए गए उन असाइनमेंट्स को देख सकता है जो कि उसको फुलफिल करके सबमिट करने होते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर सकता है, मोबाइल नंबर जो स्टूडेंट का खुद का होगा उसको चेंज कर सकता है, अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है. इसके अलावा स्टडी मटेरियल जो फैकल्टी प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट को, उनको यूज़ कर सकता है, उनको डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है, और मॉडल पेपर्स को भी स्टूडेंट देख सकता है. इसी के अलावा वो अपना रिज्यूमे को अपलोड कर सकता है एट द टाइम ऑफ हायरिंग. ये रिज्यूमे HR डाउनलोड करके उसको फर्दर यूज़ कर सकता है. तो ये सभी टास्क स्टूडेंट मॉड्यूल में हैं. तो वही देखते हैं स्टूडेंट डैशबोर्ड पैनल कुछ किस तरह से दिखता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सारे टास्क के आपको आइकन नज़र आ रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट प्रोफाइल, डिपार्टमेंटल नोटिस, टाइम टेबल, चेंज पासवर्ड, और भी काफ़ी सारे आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं. इन आइकन्स के अकॉर्डिंग बंदा क्लिक करके अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है. और जैसा कि आप जानते हैं ये एक कस्टमाइज ERP है, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर और ऑप्शंस भी ऐड हो सकते हैं और रिमूव हो सकते हैं. सो फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट किस तरह से इस सिस्टम में लॉग इन कर सकता है, इसके लिए क्या क्या तरीके हैं, आइए जान लेते हैं. सबसे पहले मैं मेथड 1 बताऊंगा स्टूडेंट को लॉग इन करने के लिए. यहाँ पर इसके लिए कुछ स्टेप्स लिखे हैं. सबसे पहले ओपन वेब ब्राउजर, आपको वेब ब्राउजर ओपन करना होगा उस सिस्टम का जिस सिस्टम में इंटरनेट एक्टिव हो. उसके बाद अपने कॉलेज की वेबसाइट खोलनी होगी जो कि है www.piitindia.edu.in. उसके बाद जब आप बॉटम में जाएंगे स्क्रॉल डाउन करने के बाद, तो आपको दिखाई देगा PIIT ERP लिखा हुआ है, जो कि फुटर में होगा क्विक लिंक्स में, ठीक है. तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होंगे कि भाई आप किसकी तरह लॉगिन करना चाहते हैं. तो उसमें सबसे लास्ट में स्टूडेंट, यू कैन क्लिक ऑन स्टूडेंट एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग ID एंड पासवर्ड एंड कन्फर्मेशन, ओके, देन यू कैन एंटर इन द योर पैनल. सो गाइज, मेरे सिस्टम में इंटरनेट वर्किंग कनेक्शन में है और मैं यहाँ पर वेबसाइट ओपन करूँगा. ये पहला मेथड है आपके ERP में स्टूडेंट को लॉगिन करने का. और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वेबसाइट को, इसमें नीचे क्विक लिंक्स में आपको ERP लॉगिन नज़र आ रहा होगा एंड यू शुड क्लिक ऑन ERP लॉगिन.
यहाँ पर वही पोर्टल ओपन हो गया है जो कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया था। यहाँ पर आपको स्टूडेंट नाम से एक मॉड्यूल नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं अपने स्टूडेंट पैनल पर, जहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए फील्ड्स नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पहला मेथड आपके स्टूडेंट पैनल तक पहुंचने का। दूसरा सिस्टम इसका ये भी है कि आप वेब ब्राउजर खोलिए, वेब ब्राउजर में डायरेक्ट लिंक आप टाइप कर सकते हैं www.piitindia.edu.in/erp। इससे क्या होगा, जो भी आपका बंदा इस लिंक को खोलेगा उसको डायरेक्टली स्टूडेंट का यूजर नेम और पासवर्ड मांगने के लिए एक पेज होगा, उस पेज पर यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा होगा। आप यूजर नेम और पासवर्ड देकर, दैट मीन अपनी आईडी और पासवर्ड देकर अपने पैनल में लॉग इन हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं भाई जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया है वो वर्किंग है भी या नहीं। piitindia.edu.in/erp, मैंने आपको यही बताया है piitindia.edu.in/erp। तो जब आप इस वाले पेज को खोलेंगे तो वही स्टूडेंट का लॉगिन पेज आ जाएगा, आप इस लॉगिन पेज में अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं एक मेथड थर्ड के बारे में भी बताने वाला हूँ। हमारे इस पीआईटी के ईआरपी सिस्टम की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, जिसके बेसिस पर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं PIIT ERP, और जो भी फर्स्ट आपका रिजल्ट होगा वो वही पेज होगा जो कि आपके लॉगिन के लिए आता है। तो आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर इजीली पैनल में, डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं। तो मेथड थर्ड के लिए मेरे को google.com ओपन करना होगा। गूगल जो कि एक सर्च इंजन है जो सर्च करके आपको बताता है आपकी सर्च क्वेरी के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ PIIT ERP, ठीक है। तो PIIT ERP लिखने पर मेरे को पहला ही पॉइंट मिल रहा है, मैं इस पहले पॉइंट को ओपन कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर पैनल मिल चुका है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करके अपने आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे लिंक की, तो दूसरा लिंक भी हमारे है और वहाँ से स्टूडेंट डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तीन ऑप्शंस थे जिनके माध्यम से स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, लॉगिन करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा पैनल डिस्प्ले होता है और किस तरह से हम टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। कॉलेज की तरफ से हर स्टूडेंट को उनका एडमिशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कराया गया है। मैंने एक रैंडमली किसी स्टूडेंट का यूजर नेम, दैट मीन दैट आईडी, और यू कैन से एडमिशन नंबर और पासवर्ड ले लिया है एंड आई एम क्लिकिंग ऑन द लॉगिन। यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपके क्रेडेंशियल्स को ले रहा है, ओके क्लिक करना है। यदि आपका यूजर नेम और पासवर्ड ठीक होगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा, आपको डैशबोर्ड नज़र आने लगेगा, और यदि ये गलत होता है तो आपको डैशबोर्ड नज़र नहीं आएगा। ये आपको दोबारा से बता देगा कि भाई आपके लॉगिन में एरर है, आप लॉगिन को दोबारा से कीजिए। सो लॉगिन हो चुका है, हम देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शनैलिटी, स्टूडेंट क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, अपनी प्रोफाइल देख सकता है, अटेंडेंस, एंटी रैगिंग सेल और डिपार्टमेंटल नोटिस बोर्ड, सर्कुलर, सिलेबस, टाइम टेबल, असाइनमेंट्स, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए एक पैनल, पासवर्ड चेंज कर सकता है, प्लेसमेंट, डाउनलोड क्वेश्चन बैंक और स्टडी मटेरियल। इस तरह से कुछ यहाँ पर फंक्शनैलिटी दी हुई हैं एक स्टूडेंट के लिए। पोर्टल आपको हेलो बोल रहा है। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट की प्रोफाइल को। सो व्हेन वी क्लिक ऑन स्टूडेंट प्रोफाइल, हमारे को इस तरह से स्टूडेंट की प्रोफाइल नज़र आ जाती है, उसकी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमको डिस्प्ले हो जाती हैं, ठीक है। हर टास्क के लिए एक नया टैब ओपन हो इस तरह से लगाया हुआ है। तो आइए बात करते हैं डिपार्टमेंटल नोटिस बोर्ड की। अगर स्टूडेंट नोटिस बोर्ड पर क्लिक करेगा और कोई नोटिस डाला हुआ होगा HOD ने स्टूडेंट्स के लिए, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सर्कुलर की, तो डीन सर ने काफ़ी सारे यहाँ पर सर्कुलर डाले हुए हैं, स्टूडेंट्स अपने सर्कुलर को देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और फॉलो कर सकते हैं। अगर बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस जो भी होगा वो सिलेबस यहाँ पर दिखाई देगा। अभी तक यहाँ पर सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है HOD के द्वारा। जो भी सिलेबस अपलोड होगा वो सिलेबस इस जगह पर दिखाई देगा।
अगर हम बात करते हैं क्लास टाइम टेबल की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस टाइम टेबल पेज पर क्लिक करने पर हम यहाँ पर टाइम टेबल देख सकते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, व्यू और डाउनलोड का। और अगर मैं व्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर व्यू हो जाएगा अगर आप चाहें तो, और चाहें तो वो डाउनलोड भी हो जाएगा। मेरे IDM यूज़ करने की वजह से डायरेक्ट डाउनलोडिंग के लिए दिखा रहा था, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम टेबल किस तरह से व्यू हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ, और असाइनमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है असाइनमेंट टाइटल क्या है, किस डेट में दिया गया है असाइनमेंट, और किसके माध्यम से दिया गया है। आप उसे व्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको व्यू करके दिखाता हूँ, देखिए। ठीक है, तो ये असाइनमेंट है जिसकी लास्ट डेट है 27 अगस्त 2018। तो इस तरह से असाइनमेंट को देखा जा सकता है। अगले मॉड्यूल पर चलते हैं, चेंज योर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका पुराना ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस आपका रिप्लेस हो जाएगा नई ईमेल एड्रेस से। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू ईमेल एड्रेस @gmail.com लिख दिया है, सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद ये हमारा चेंज्ड ईमेल एड्रेस शो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं मोबाइल नंबर को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं पासवर्ड को भी चेंज कर सकता हूँ। बाकी मॉड्यूल्स भी इसी तरह से हैं, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं इन मॉड्यूल्स को। सो व्यूअर्स, आप सभी से मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि किस तरह से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं अगर आप PIIT कॉलेज ग्रेटर नोएडा के स्टूडेंट हैं। सो फॉर अदर मॉड्यूल्स स्टे ट्यून्ड, इट्स मी G Krishna चौहान, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।